हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 पाठ 5 शिक्षक के नाम पत्र, जिसके लेखक है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म सन 1809 में और मृत्यु सन 1865 में हुई। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका के केंटन राज्य में हॉन्डनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तक मंगाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वअध्ययन द्वारा पढ़ाई करके एलिनॉयस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बांटने से बचाया। भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई, इसलिए उन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार समय बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। ये मूल पत्र का हिंदी पद में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया ये पाठ प्रेरणादायक है। दोस्तों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते, सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा ये कभी न कभी, मगर उसे ये भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थिक राजनीतिक होती हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए, पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को समय से मनाए। अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रखना सिखाइए। सिखाए उसे अपना हर सैन से सिखाए। कहना गुंडे से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे। पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसको जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए, देख पाए वो चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहरी धूप में मंडराते भंवरे और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाए सफलता से सीधे सीधे टकराए असफलता श्रेय कर है। ये सिखाइए अपना ख्याल, अपनी सूझबूझ पर पक्का विश्वास रखे वो। भले ही सब लोग उसे गलत ठहराए, वो भलों के साथ भलाई बरते और टेढ़ों को सबक सिखाए। अगर मेरे बेटे के दिमाग में जमाते बने तो देखिए
कि विजय के झंडे के नीचे खड़े होने का दौड़ती भीड़ में शामिल न होने का साहस जुटाए, और ये भी सिखाए उसे कि सुने सबकी हर एक की, पर छान ले उसे सत्य की छलनी में और छिलना फेंक कर। ग्रहण करे विशुद्ध सार, बन पड़े तो उतारे उसके मन में, हंसते रहो हृदय का दुख दबा कर, कहिए कि आंसू बहाते शर्मा नहीं वो, सिखाए उसे ओछेपन को मानना और चाटुकरी से सावधान रहना, उससे पक्के पूरी तरह समझाइए खूब कमाई करे ताकत अकल की लागत से, लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय अपनी आत्मा, धिक्कारती हुई आती ही भीड़ अगर तो अनदेखा करना सिखाए उसे, और लिखिए उसके हृदय पर जो सत्य जान पड़े न्यायोचित लगे उसकी खातिर धरती में घड़ा कर पाँव लड़ता रहे, उसे ममता दीजिए मगर लाड करके मत बिगाड़िए, आग में जलकर तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता, उसे आदत डालें कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वो, अगर दिखानी है बहादुरी हमें विश्वास चाहिए समय का मजबूत, तभी जमेगी उदात श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति। समा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ, फिर देखिए जितना बने कीजिए जरूर, मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई, आपका अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों ये अब्राहम लिंकन का पाठ था जो उसने अपने बेटे के, जो उसे पढ़ाते थे उस शिक्षक के नाम लिखा है कि अपने बेटे को कैसा बनाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए। उस समय के शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के 16वें प्रमुख ने अपनी बात लिखकर अपने बेटे को किस तरह बनाना है वो अपने शिक्षक को लिखकर कहते हैं। ऐसे होते हैं सच्चे और अच्छे राष्ट्र के नेता।